हिमाचल प्रदेश में गुरुवार यानी 10 सितंबर से सभी धार्मिक शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वहीं प्रदेश के जिला ऊना स्थित विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में भी कोविड-19 के तहत सावधानी के मद्देनजर दर्शन के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। अब नई प्रणाली के अनुसार एक दिन में केवल 500 श्रद्धालु ही मां के दर्शन कर सकेंगे, जबकि जिला प्रशासन के आदेश अनुसार सभी को मेडिकल जाँच के बाद ही दर्शन की अनुमति दी जा सकेगी और कोविड के लक्षण पाए जाने पर उन्हें हॉस्पिटल या कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया जाएगा, जबकि बाहरी प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी होटल में 2 दिन की बुकिंग के साथ ही उनकी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दी जा सकेगी। इसको लेकर वीरवार को मंदिर खुलने के साथ ही जिला प्रशासन के साथ साथ मंदिर प्रशासन भी मौके पर पहुँच रहा। कुल मिलाकर श्रद्धालुओं सहित मंदिर के पुजारी व दुकानदार बहुत खुश नजर आए। तो 6 महीने के बाद माता रानी के दीदार हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, माता रानी के दीदार आज बहुत दिनों के बाद हुए और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सरकार ने माता के दरबार खोल दिए और भक्तों को दर्शन हुए माता रानी के और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रशासन के प्रबंधों के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशासन के प्रबंध बिल्कुल बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया प्रबंध है प्रशासन का। प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो श्रद्धालुओं को दिक्कत हो, कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है श्रद्धालुओं को, कोई ऐसी नहीं है। फगवाड़ा से एक तो 6 महीने के बाद चिंतपूर्णी मंदिर के पास खुले, बिल्कुल आपने माता रानी के दर्शन किए, बिल्कुल जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, 6 महीने के बाद माँ माई के दर्शन हो रहे हैं, बड़ा आनंद आया है और मन प्रसन्न हो गया है माँ माई के दर्शन करके, बहुत अच्छा। पहले के मुकाबले क्या फर्क लगा आपको माथा देखने में? काफी फर्क है, अब तो कोरोना की वजह से थोड़ा रश कम है। वैसे तो हम हर महीने आते हैं संक्रांत को यहाँ पे दर्शन करने के लिए, माँ के दरबार पे तो सब कुछ अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। आप कौन सी जगह से माता रानी के दर्शन करने आए? छह महीने बाद माता का मंदिर खुल रहा है तो आप लोग दर्शन कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हम तो बहुत ऐसे यहाँ आते हैं जी दादी के दरबार में, आज उसने कृपा की हम जरूर फिर आ गए जी, हमें पता चला 10 तारीख को मंदिर खुलेंगे, हम आ गए। यहाँ पर आपको व्यवस्थाओं को देख कर क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया व्यवस्था जी, कोई कमी नहीं, बड़ा अच्छी तरह से व्यवस्था हो रही है इनकी, बड़ी और बड़े साफ सुथरे तरीके से काम हो रहा है। कोरोना से बचने के लिए आप लोग क्या उपाय करेंगे अपनी तरफ से? हम अपने से मास्क पहनेंगे जी, 2 गज की दूरी रखेंगे जी बस। क्या कोरोना से डर आपको बिल्कुल नहीं लगता? अब थोड़ी लगता है, पहले लगता था जी। जय माता दी। आप कौन सी जगह से आए हैं? लुधियाना से। लुधियाना पंजाब से। लुधियाना पंजाब से। तो 6 महीने के बाद माता रानी के आपको दर्शन होंगे, तो क्या आप फील कर सर? बहुत ही टाइम से वेट कर रहे थे पहले तो, जैसे हर मंथ 2 मंथ के बाद जैसे आते रहते थे, तो मतलब जैसे कोविड के बाद तो अब टाइम मिला, तो जैसे एचपी गवर्नमेंट ने जो किया है बहुत अच्छा उपराला किया है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे देख के बहुत अच्छा, मतलब जो भी सिस्टम उन्होंने बनाया है तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो रिपोर्ट जैसे कोई नेगेटिव आया सर? रिपोर्ट एक्चुअली हमारे जो पहले जहाँ पे हम जॉब करते थे, तो वहाँ पे हमें सारे स्टाफ के जो टेस्ट हुए थे उसमें तो हम सब नेगेटिव आए थे, उसके बाद जो भी है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, कोई भी हमारा कोई कुछ नहीं है, वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह चेक किया उन्होंने, सारा कुछ देखा, तो उसके बाद ओके करके ही वो आगे भेजते हैं। कैसा लग रहा है आपको 6 महीने? सर बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत मतलब अपने आप को कर्मों वाला समझते भी, माता रानी ने बुलाया इतने दिनों बाद, 6 महीने बाद बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। आज लॉकडाउन की तरह 6 महीने से लॉकडाउन चला हुआ था, तो आज जो है डी साहब ने आके माँ का आशीर्वाद लिया है और सभी माँ के भक्तों के लिए मंदिर भी खोल दिए, तो हम प्रशासन का, सरकार का, हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कई दिनों से हमारे जो दुकानदार, जो पुजारी वर्ग, जो होटल वाले वो फ्री बैठे हुए थे, तो आज बड़ा खुशी का दिन है और मैं माँ के भक्तों को बहुत बधाई देता हूँ। और जो भी डी सी साहब डिप्टी कमिश्नर से जो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, सब नई गाइडलाइन दी है, उस हिसाब से माँ के चरणों में आप आइए और माँ का आशीर्वाद लीजिए, और मैं एक बार फिर पुजारी वर्ग की तरफ से सभी को बधाई देता हूँ और माँ के दर्शन कीजिए और माँ का आशीर्वाद लीजिए। जय माता की जय।
ऊना में हमारा साइकिलिंग एंथोजास्ट नाम से ग्रुप है जो पिछले एक डेढ़ साल से कंटिन्यूसली साइकिलिंग करता है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हमने ये ग्रुप बनाया था और आज श्री माता चिंतपूर्णी जी का दरबार खुला है, तो इसी उपलक्ष्य पे आज ये सारा का सारा ग्रुप जो है माता जी के दर्शन करने के लिए ऊना से चल के जो है वो साइकिल्स पे आज चिंतपूर्णी पहुँचा है। माता चिंतपूर्णी के दरबार पास्ट में कभी बंद नहीं हुई, तो एक बड़ा विचित्र समय जो है वो पिछले 5-6 महीने हमने देखा। आने वाला समय ऐसा कभी ना आए जब माता जी का दरबार जो है वो श्रद्धालु के लिए बंद है, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। सभी लोग स्वस्थ रहें, फिट रहें, जो प्रोटोकॉल कोविड-19 की रोकथाम के लिए है सभी श्रद्धालुओं से अन्य सभी जो भी मंदिर से जुड़े हुए हैं पुजारी वर्ग दुकानदार वर्ग सबसे अनुरोध है कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है उसमें मौके पर, जैसे कि आने वाले टाइम में इस महामारी से बचा जा सके, और माता जी से हम प्रे करते हैं जो महामारी है इसे हमें जल्द से जल्द जय माता। सर ऊना से कितने बजे यात्रा शुरू की? ऊना से हम सुबह 5:30 बजे के आसपास चले, तो 20-25 राइडर्स हैं यहाँ तक पहुँचे। सर जैसे आपने चिंतपूर्णी अंदर में आने का जो है वो अपने आप में एक उत्साह था, डिस्टेंस तो कोई ज़्यादा नहीं थी, सभी राइडर्स काफ़ी टाइम से राइडिंग करते थे, लेकिन मंदिर में अपने आने का जो है वो एक अलग से उत्साह, एक वो इसमें विशेष बात। जय थैंक यू। उन्ना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ संवाददाता कपिल सूद की विशेष कवरेज।